थर्ड मेथड जो है एक्स 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 नॉट टाइम, थर्ड मेथड इज एक्स 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 नॉट टाइम, अगेन मेल हेट्रोगेमेटिक, मेल हेट्रोगेमेटिक, फीमेल्स आर होमोगेमेटिक, एक्स एक्स राइट। इट इज नोन एज प्रोटेनर टाइप, इट इज कॉल्ड प्रोटेनर टाइप। एक्चुअली वो हेट्रोगेमेट में नहीं है, मेल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है, एक एबसेंट है, एबसेंट को जीरो से शो किया है, जो फोर्थ क्रोमोसोम है वो एबसेंट ही है, बट क्योंकि एक्सप्रेशन अलग आती है, सो इट इज कॉल्ड हेट्रोगेमेट। ओड नंबर हो गया, एक भी ओड है यहाँ पे, दो है तो उसके कंपैरिजन में इट इज कॉल्ड हेटरोगैमेटिक। नाउ फीमेल्स सेम वन टाइप ऑफ गैमेट, बट इन मेल्स टू टाइप ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस, चांस कॉम्बिनेशन ओके। तो 50-50% चांसेस हैं वेदर मेल और फीमेल आर प्रोड्यूस। ग्रास ऑपर एस्केरिस कॉकरोच, एग्जाम्पल इज ग्रास ऑपर एस्केरिस कॉकरोच, तो एक्स 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 नॉट टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। और प्लांट्स में डायोस्टेरा, प्लांट्स में डायोस्टेरा शोज दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। तो प्लांट्स में भी और एनिमल्स दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म्स में इस तरह की सेक्स डिटरमिनेशन कॉमनली मिलती है। फोर्थ टाइप इज जेड नॉट जेड जेड टाइप, फोर्थ टाइप इज जेड नॉट जेड जेड टाइप, वेरी रेयर जेड नॉट जेड जेड टाइप, अगेन फीमेल हेट्रोगैमेटिक एंड मेल्स आर होमोगैमेटिक, इट इज वेरी रेयर, इट इज वेरी रेयर। तो पिजन और डक में इस तरह का सेक्स मिलता है, पिजन एंड डक हैव दिस टाइप ऑफ डिटरमिनेशन। और हमने पार्थेनोजेनेसिस में एक टाइप पढ़ा था, पार्थेनोजेनेसिस थ्री टाइप की होती है, एरेनोडोटी, थायरोडोटी एंड एम्फीडोटी। सो हैप्लोडिप्लोइडी इसमें होती है, हैप्लोडिप्लोइडी दैट इज एरेनोडोकी, हैप्लोडिप्लोइडी जो प्लोइडी लेवल है उससे सेक्स डिटरमिनेशन हो जाता है, जो गैमेट्स की प्लोइडी है उससे सेक्स डिटरमिनेशन हो जाता है। Ploidy of gametes determine sex of the offspring. वही हनीबी का इसमें एग्जांपल आया, तीन टाइप ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस है, ड्रोन, क्वीन एंड वर्कर, दे आर ऑलवेज हैप्लोइड, ड्रोन्स आर ऑलवेज हैप्लोइड, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो क्वीन और वर्कर है दे आर डिप्लॉयड, बट इट इज फर्टाइल एंड रेस्ट आर स्टराइल, बिकॉज़ ये रॉयल जेली को फीड करती है, देन इट बिकम्स क्वीन। सो दिस इज फर्स्ट थियरी, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन।
Second theory is genic balance theory. Second theory is genic balance theory. Genic balance theory was given by Mises. Genic balance theory. Genic balance theory given by Mises. Do you have Drosophila on a study, do you know? और ड्रोसोफिला की स्टडी के बेसिस पे उन्होंने बताया कि जो ऑटोसोम और एनोसोम का जो रेशियो है इट हेल्प टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ब्रिजेस ने कहा कि रेशियो ऑटोसोम टू एनोसोम डिटरमाइन सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, रेशियो ऑटोसोम टू एलोसोम डिटरमिन सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग. ये सिंपल सा कंक्लूजन उन्होंने किया और इसको कहा सेक्स इंडेक्स रेशियो. इट वॉज कॉल्ड सर सेक्स इंडेक्स ratio. Number of X chromosome upon number of autosomes. So sex is equal to X upon A. X is equal to autosome. A is equal to allosome. Sorry. X is equal to allosome and A is equal to autosome. और यहाँ पे भी यही हो जाएगा allo upon auto. So if the ratio comes out to be 1, अगर ये रेशियो 1 आ गई है, there are different possibilities that females are produced. If the ratio comes out to be 1, females are produced. 0.5 आ गई है तो male. Ratio 0.5 है तो male produce होते हैं. Less than 1, or it is more than one, sorry. Super females. Concept हम discuss करेंगे super male और super female का भी. Super females are produced. Less than 0.5 super males are produced. And between 0.5 to 1, 0.5 to 1, then intersex offspring are produced. So this ratio of sex index ratio determines sex of the offspring. So this genetic balance theory. Right? Mano, A plus triple X है. A plus triple X है तो क्या आ गया? 3/2, 1.5 पे क्या हो जाएगा? सुपर फीमेल. राइट, ए प्लस 0 तो क्या आ जाएगा? 1/2, 0.5 पे मेल्स विल बी प्रोड्यूस. सो दिस इज जेनिक बैलेंस थ्योरी प्रपोज बाय सी आर ब्रिजेस. Third one is environmental regulation. Yeah, environmental sex regulation. Environmental sex regulation. Third one is environmental
sex determination. कि जो एनवायरमेंटल कंडीशन डिटरमाइन करे कि नॉर्मली लोअर ऑर्गेनिज्म में मिलता है और एनिमल्स में लोअर इनवर्टिब्रेट्स में मिलता है मेनली. जो लार्वा है बोनिलिया एग्जांपल इस वाले में बताऊं, बोनिलिया बोनिलिया में लार्वा सारे कैसे होते हैं? बोलिविया में लार्वा ऑल सेम, लेकिन अगर लार्वा फीमेल के ग्रुप में डाल देंगे इन ग्रुप ऑफ फीमेल्स तो इट डेवलप्स एज मेल, देन इट डेवलप्स एज मेल. और अगर लार्वा को मेल से ग्रुप में डालेंगे then develops as female. Crocodile sharks में भी इस तरह का behavior होता है. Lizards में, crocodiles में वहां पे temperature depend करता है temperature में. Low temperature female less, high temperature male less. Low temperature more females are produced, high temperature मेल्स आर प्रोड्यूस्ड. टर्टल्स में अगर टेम्परेचर 33 डिग्री से ज्यादा है, टेम्परेचर अबोव 33 डिग्री सेल्सियस फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड. इफ इट इज लेस देन 28 डिग्री सेल्सियस मेल्स आर प्रोड्यूस्ड. बिटवीन 28-23 डिग्री सेल्सियस इक्वल अबोव मेल एंड फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड. Equal male and females are produced. So environmental conditions help करती हैं to determine sex of the organism. Mollusca में होता है, अगर pollution level ज्यादा हो तो female produce होती है, pollution level कम हो तो male produce होती है. So different conditions help. Fourth theory is hormonal regulation of sex determination. Fourth one is hormonal regulation of sex determination. Hormonal sex determination. Hormonal regulation of sex determination. Actually, जो sex hormone होते हैं उनका ज्यादा रोल होता है sex differentiation में rather than sex determination. Sex hormones have more role, more importance in sex differentiation. Rather than sex determination. Sex determination से ज्यादा sex differentiation में उनका role होता है. Right? Free body होते हैं जो cattle हैं हमारे, cattle में एक word use किया जाता है free martins. Free martins animals के केस में, cattle के केस में use किया जाता है कि opposite sex के dizygotic twins होते हैं, they are called free martins. Dizygotic twins of opposite sex, female or female eggs are, they are called free martins. तो इसमें जो male होगा वो तो normal होता है, but the female part or female offspring is sterile with male characters. Sterile with male characters. तो ये हॉर्मोन की वजह से होता है, हॉर्मोन की जो कंसेंट्रेशन है वो
Conendromorph word suna hoga aapne, conendromorph rare situation है जिसमें half female male body होती है half female body होती है, इसको sex mosaic भी कहते हैं, sex mosaic half male body. Drosophila silkworm में इस तरह के examples मिलते हैं. And the last one is psychological determination, psychological basis of sex determination. Past theory हमने discuss की थी, तो last one is psychological basis. Psychological basis of sex determination. Psychological basis of sex determination. It is also called as Lyons hypothesis or Dolce's compensation. Lyons hypothesis or Dolce's compensation. Lyons hypothesis or Dolce's compensation is called as female में हमें पता है दो X क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन किसी भी रीजन से मैमल्स में एक एक्स क्रोमोसोम टेंपरेरली इनएक्टिवेट हो जाता है. कि फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है, दो एक्स क्रोमोसोम है, इनमें से कोई भी वन एक्स क्रोमोसोम इज टेंपरेरली इनएक्टिवेट, टेंपरेरली इनएक्टिवेट. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों से कोई एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव हो जाता है. लेकिन जब गैमेट में सेल डिविजन होता है तो दोबारा से एक्टिव हो जाता है एंड गेट्स एक्टिवेटेड एट टाइम ऑफ सेल डिविजन इन गैमेट्स. जब गैमेट्स में सेल डिविजन होगा तो वो इनएक्टिवेटेड जो एक्स क्रोमोसोम का दोबारा से एक्टिव हो जाता है और वो ऑब्जर्व होता है, ऑब्जर्व्ड एज डार्कली स्टेन्ड एरिया. जब उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो डार्कली स्टेन्ड कोटिंग की फॉर्म में अपीयर होता है, डार्कली स्टेन्ड एरिया की फॉर्म में होता है, एंड दैट डार्कली स्टेन्ड एरिया इज नोन एज बारकोड. दैट डार्कली स्टेन्ड एरिया इज नोन एज बारकोड. इधर एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वहां मिलता है, फाउंड इन इनर एपिथेलियल सेल्स, मैमल्स की बात कर रहा हूं मैं, इनर एपिथेलियल सेल्स ऑफ माउथ एंड न्यूट्रोफिल ऑफ ब्लड, न्यूट्रोफिल ऑफ ब्लड, न्यूट्रोफिल ऑफ ब्लड, दिस टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड. अब नंबर ऑफ बॉडीज ऑलवेज लेस, वन लेस देन नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ बॉडीज इज ऑलवेज वन लेस देन नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ बॉडीज इज इक्वल टू एक्स माइनस वन. तो ह्यूमन फीमेल में दो एक्स है तो वन वर्क बॉडी, मेल में एक्स वाई है, एक्स माइनस वन जीरो, नो वर्क बॉडी जीरो है, ट्रिपल एक्स टू वर्क बॉडी एंड सो राइट. सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच सेक्स डिटरमिनेशन इज डन, और दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ sex determination.